Dear student, you are most welcome in your educational channel. We have MA Education Final Year paper तुलनात्मक शिक्षा compared to education. हम continue कर रहे हैं यहाँ पर. आज हमारे पास यहाँ पर है unit second. Facts help in comparing the educational system of different countries. यानी विभिन्न देशों में शिक्षा प्रणाली की तुलना करने हेतु सहायक कारक. ये हमारी second unit है. इसके ऊपर जितने भी संशय संबंधित यहाँ पर प्रश्नोत्तर बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर लेकर हाजिर हुए हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, 17वीं सदी में मानवतावादी घटक का प्रभाव किस देश की शिक्षा प्रणाली पर पड़ा. यहाँ पर ऑप्शन है रूस, जर्मनी, फ्रांस, भारत. तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस. हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, राष्ट्रीय एकता समिति ने राष्ट्रीय एकता को प्रबल बनाने के लिए सुझाव पत्र किस सन में तैयार किया था. यहाँ पर ऑप्शन है 1961 में, 1964 में, 1966 में, 1970 में. तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 1961 में. हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, ग्रेट ब्रिटेन में राष्ट्रीय एकता की भावना को बलवती बनाने के लिए शिक्षा एक्ट कब पारित किया गया. यहाँ पर ऑप्शन है 1944 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1946 ईस्वी या 1943 ईस्वी. तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 1944 ईस्वी. प्रश्न चार, 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा की योजना के प्रारूप को खोजना लक्ष्य था. ऑप्शन है उच्च शिक्षा आयोग का या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का या इनमें से कोई नहीं. तो यहाँ पर सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का. प्रश्न पाँच, शिक्षा के कारक एवं परंपराएं 1949 पर अध्ययन किसने किया था. ऑप्शन यहाँ पर गिवन है निकोलस हांस, अंतोइन जूलियन, वर्मन मेलियन या इनमें से कोई नहीं. तो इसका सही उत्तर होगा निकोलस हांस. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर इम्पोर्टेंट संशय संबंधित क्वेश्चन को देखा और उनके आंसर ऑप्शन को आपने देखा. तो इसी तरह हम नेक्स्ट यूनिट थर्ड को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे और इसको आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है. थैंक यू.